नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए इवनिंग न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। अभी और सताएगी गर्मी, 15 को भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल में करोड़ों की बागवानी पर संकट के बादल, ड्राई स्पेल ने सब तबाह कर दिया। अब जागा परिवहन निगम प्रबंधन, ढाबों पर लूट है तो करें शिकायत। और विधानसभा क्षेत्र में आप जरवर तैनात करेगी कांग्रेस, प्रदेश से बाहर के होंगे सभी नेता। कांग्रेस बोली हड़बड़ाहट में, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। यूजीसी पे स्केल को लेकर कॉलेज टीचर ने हड़ताल टाली है, खत्म नहीं की। ऊना के पंजवाना में 328 करोड़ से बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, प्रस्ताव तैयार। और अब आपके लिए समाचार विस्तार से, आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। आने वाले कुछ दिन मौसम का मिजाज मिला जुला रहेगा। मैदानों में जहां गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की बौछारें गिर सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के मैदानी जिलों में रविवार और सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा। 15 जून को प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में 15 जून को तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊना सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रहा ड्राई स्पेल बरकरार है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। राजधानी शिमला में भी पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई है। इसके अलावा किसानों व बागवानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सूखे के कारण किसानों बागवानों की फसलें सूखने के कगार पर आ गई हैं। वहीं प्रदेश में कई क्षेत्रों में जंगलों में लग रही आग का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से चल रहा ड्राई स्पेल सेब की फसल पर भारी पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के सेब की फसल पर खतरा पैदा हो गया है। जमीन में नमी ना होने के कारण बगीचों में कई तरह की समस्याएं पैदा होना शुरू हो गई हैं। बागवानों व वैज्ञानिकों का कहना है कि सूखे की मार का असर न सिर्फ इस सेब सीजन पर पड़ेगा, बल्कि अगले साल तक इसका असर रहेगा। गौर हो कि हिमाचल में करीब 5000 करोड़ का सेब का बिजनेस होता है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से बारिश नहीं हुई है। बारिश न होने से तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। जमीन में नमी लगभग समाप्त हो चुकी है। जमीन में नमी कम होने के कारण कई क्षेत्रों में पौधे स्ट्रेस में चले गए हैं। फल के विकास आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सेब के फलों में रस्टिंग शुरू हो गई है, फलों का साइज भी नहीं बन पा रहा है, कई क्षेत्रों में लेंटिकल ब्रेकडाउन शुरू हो गया है, यानी सेब के पौधों पर काले धब्बे पड़ रहे हैं। खासकर रेड गोल्ड व गाला सेब सीरीज के किस्मों में यह समस्या पैदा हो रही है। इसके अलावा सूखे के कारण नई प्लांटेशन काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है। लोअर बेल्ट में नई प्लांटेशन सूख रही है। नई प्लांटेशन से 50-90% पौधे सूखने के कगार पर है। नई प्लांटेशन सूखे के कारण सेब बागवानों को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बागवानों ने सरकार से मांग उठाई है कि सूखे के नुकसान का सही आकलन किया जाए। इसके अलावा आने वाले सालों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान निकाला जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले सालों में इसी तरह के हालात पैदा ना हो। एक तरफ जहां मौसम की बेरुखी से किसान बागवान परेशान है, तो वहीं कॉटन के दामों में हुई बढ़ोतरी से भी किसान बागवानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला, तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ।
हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश भर में जहां जहां ढाबे चिन्हित किए हैं वहां यात्रियों के साथ लूट खसोट की घटनाएं हर दिन सामने आने लगी हैं। हालांकि ये सिलसिला नया नहीं है, फिर भी प्रबंधन की आंखें अब खुली हैं। प्रदेश भर में HRTC बसों के रुकने वाली जगहों के ढाबों की निगम प्रबंधन ने फाइलें तैयार कर दी हैं। इन फाइलों में ढाबों की शिकायतें प्रबंधन के पास पहुंची हैं। शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, मंडी सहित कई ढाबों पर निगम प्रबंधन को शिकायतें आ रही हैं। निगम प्रबंधन ने प्रदेश के सभी ढाबा मालिकों को चेताया भी है वे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारें। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रबंधन को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ढाबों में यदि महंगा खाना मिलता है या फिर खाने में गुणवत्ता नहीं मिलती है तो वह इसकी शिकायत निगम प्रबंधन से कर सकते हैं। वहीं यात्री व्हाट्सएप पर वीडियो या फोटो के माध्यम से भी अधिकारी के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर सुविधा मिले, गुणवत्ता वाला भोजन मिले, इसके लिए निगम प्रबंधन सख्त हो गया है। वहीं निगम प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए शिकायत नंबर जारी किया है। यात्री निगम प्रबंधन द्वारा जारी शिकायत नंबर 9418000529 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। ये सभी बाहरी राज्यों से होंगे और विधानसभा पर पूरी नजर रखेंगे। कांग्रेस ने आपसी गुटबाजी से बचने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। देखिए और क्या खास हुआ इस मीटिंग में। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। ये सभी बाहरी राज्यों से होंगे और विधानसभा पर पूरी नजर रखेंगे। कांग्रेस ने आपसी गुटबाजी से बचने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर आपसी तालमेल से विधानसभा चुनाव जीतने पर रणनीति बनाई गई। राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को बूथ स्तर पर ताकत झोंकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पार्टी का बूथ स्तर पर मजबूत होना आवश्यक है। राजीव शुक्ला आगामी 20 जून को हिमाचल आएंगे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एकजुटता से चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की एकजुटता देख मुख्यमंत्री जयराम बौखला गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर अपने दिल को तसल्ली देने का असफल प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, उपाध्यक्ष नंदलाल, महासचिव मोहनलाल ब्राक्टा, अतुल शर्मा ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया। देखिए और क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने। प्रदेश में कांग्रेस की एकजुटता देख मुख्यमंत्री जयराम बौखला गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर अपने दिल को तसल्ली देने का असफल प्रयास कर रहे हैं। जो नेता 4.5 साल तक सिर्फ हवा में ही उड़ा हो और जिसकी सरकार केंद्र के भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के रिमोट से चली हो, उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, उपाध्यक्ष नंदलाल, महासचिव मोहन लाल ब्राक्टा, अतुल शर्मा ने एक संयुक्त बयान में मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इन दिनों वे बहुत ही मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। प्रदेश में 4 उपचुनावों में मिली करारी हार के बाद वे अब विधानसभा चुनावों में जीत गए ख्याली पुलाव पकाने में लगे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कभी भी जनता के दुख दर्द को जानने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि कांग्रेस ने 4 उपचुनाव जीतकर जयराम को उनकी सियासी जमीन दिखाई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर उनकी टिप्पणियां उनके पद के विपरीत हैं, लेकिन शायद ये इनकी पार्टी की रिवायत है। पहले भी उपचुनाव में इनके पूर्व अध्यक्ष सत्ती ने प्रतिभा सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी। कॉलेज टीचर ने हड़ताल टाली है, इसे खत्म नहीं समझा जाए, क्योंकि महाविद्यालयों में छुट्टियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि वे उनकी समस्या का हल करेंगे, तो देखते हैं वे क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद ही हड़ताल को खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा ने ये बात आज प्रेस वार्ता के दौरान कही। देखिए ये रिपोर्ट।
राज्य के 138 कॉलेजों सहित HPU, पालमपुर और नौनी विश्वविद्यालय के करीब 2200 के करीब शिक्षकों ने फिलहाल कॉलेजों में चल रही वेकेशन के चलते हड़ताल को टाल दिया है। हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रामलाल शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि 15 दिन से उनकी हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार से जो सकारात्मक आश्वासन मिला है उसके चलते हड़ताल को स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी में बयान दिया कि वे UGC पे स्केल पर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि हिमाचल में यदि पे स्केल को लागू करना है तो उन्हें पंजाब को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन शिक्षकों ने फिलहाल हड़ताल कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है। इसके बाद भी यदि सरकार उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो दोबारा ये शिक्षक आंदोलन करेंगे। शिक्षकों की इस हड़ताल के चलते UG के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन शिक्षकों का कहना है कि शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से पहले UG अंतिम वर्ष के 80% छात्रों के पेपर का मूल्यांकन कर दिया गया था, लेकिन सरकार से हर मंच पर आवाज उठाने पर भी अभी तक शिक्षकों को UGC पे स्केल नहीं मिला है। उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क में प्रदेश में करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देखें ये खबर। उद्योग विभाग ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर दिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए कलपुर्जे तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क में प्रदेश के करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 328 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क की मंजूरी के लिए 3 कमेटियों की संस्तुति के बाद राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र को भेजने की तैयारी में है। प्रस्ताव जमा करने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को टेक्निकल सपोर्टिंग यूनिट सहित 2 अन्य कमेटियों की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट की DPR भेजने को कहा है। राज्य सरकार ने इन कमेटियों का गठन कर दिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क को लेकर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम पावर ग्रुप ऑफ सिलेक्शन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में नेटवर्किंग प्लानिंग यूनिट और उद्योग विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट का गठन कर दिया है। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब चलते चलते नालागढ़ के झीड़ा में एक दर्जन झुग्गियां राख सामान के साथ पशुधन भी चढ़ा आग की भेंट, 10 लाख रुपए का नुकसान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार संग निहारी अटल टनल, लाहुली परंपरा के साथ हुआ महामहिम का स्वागत। कुल्लू के शमशी में गुरु की दरिंदगी, प्रशिक्षु अध्यापक ने पीट कर घायल किए 20 छात्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल TV के साथ।